नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज रुद्रा कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि आगामी चकबंदी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को लिए। तो आप लोग अतः इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रुद्रा कंपटीशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि भी आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। और आप लोग अगर जो कमेंट करते हैं तो मैं इसको ऐसे ही जारी रखूँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इसके लिए आपको बता दें हिंदी का ये 25 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। और इसका जो जस्ट आगे वाला जो हमारा पार्ट होगा, अगला पार्ट होगा, उसमें हमारे सामान्य अध्ययन और ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रश्न होंगे। और मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं, मैथ और जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, उसको मैं व्हाइट बोर्ड यानी ऑन द फेस आकर के सामने मैं उसके हल कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, वो इसमें कहा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अन या अण प्रत्यय के स्थान पर मानक हिंदी में किसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, पश्चिमी हिंदी के अन या अण प्रत्यय के स्थान पर मानक हिंदी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास विकल्प है चार, इन, उन, अब और अन। तो इसमें हमारा जो विकल्प नंबर होगा पहला सही होगा, यानी पहला जो विकल्प है हमारा सही है, इसमें इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला हमारा जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, अगला है कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी के किन ध्वनियों का लोप हो गया है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। तो इसमें जो विकल्प नंबर होगा हमारा दो सही होगा, हमारे पास चार विकल्प हैं, एकल, मूल, द्वितीय, संयुक्त। तो विकल्प नंबर हमारा जो सी होगा वो सही होगा, द्वितीय। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे है कि अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है, यानी चार विकल्प हमारे सामने दिया है, ब्राह्मी, लोकभाषा, संस्कृत और प्राकृत। अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है किससे हुआ है, तो अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है प्राकृत भाषा से। अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है प्राकृत भाषा से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वह कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है, अधीर, पुजारी, आस्तिक और नास्तिक। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच का जो स्थान है, जो खाली गैप होता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी पृथ्वी और ये जो ग्रह है तो बीच का ये जो खाली स्थान है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच का जो खाली स्थान है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के जो भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं आप उनमें शेयर ज़रूर करें। तो ध्यान दीजिए, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हो, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है अंगूठा दिखाना। ध्यान दीजिए, अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है, हमारे पास चार विकल्प है, इनकार करना, मजाक करना, प्रसन्नता प्रकट करना या नृत्य की मुद्रा। ध्यान दीजिए, अंगूठा दिखाना का मतलब होता है इनकार करना। अंगूठा दिखाना का जो मतलब होता है वो होता है इनकार करना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, इनकार करना। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो कि उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है। तो उल्लू सीधा करने का अर्थ जो होता है वो होता है कि अपना काम निकालना। उल्लू सीधा करने का जो अर्थ होता है वो होता है अपना काम निकालना। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है आप लोग देख रहे होंगे, अंतड़ियों पर बल पड़ना। अंतड़ियों पर बल पड़ने का मतलब होता है बहुत हंसना। अंतड़ियों पर बल पड़ने का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत हंसना। ठीक है, आगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है कि कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया। कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया, तो उन्होंने, कवि नागार्जुन ने यात्री, यात्री एक अपने अन्य नाम से भी साहित्य सृजन किया है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है ध्यान से देखिएगा वो है कि भूषण किस रस के कवि थे। तो जो भूषण थे हमारे वीर रस के कवि थे। भूषण किस रस के कवि थे, तो भूषण वीर रस के कवि थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि चंपू किसे कहा जाता है। चंपू किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं आगे। एक हमारे पास दोहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये जो कथन है, ये जो दोहा है वो किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है कबीर के द्वारा। ये किसके द्वारा कहा गया है,
तो ये कहा गया है कबीर के द्वारा। तो मित्रों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि तो आपके लाइक से थोड़ा हमको प्रोत्साहन मिल जाता है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये किसका कहा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो ये है बाबू तुलसीदास का कहा हुआ, ये जो कथन है, ये जो है चौपाई है, वो तुलसीदास द्वारा कहा गया है। उसके बाद जो अगला है हमारा, ध्यान दीजिए, अगला है कि वृक्ष कबहुँ न फल मखे, नदी न संचय नीर, अ परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो ये कथन किसका है, तो आप लोग जानते होंगे बहुत ही प्रचलित कथन है, ये प्रचलित दोहा है। तो ये जो है कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है, ध्यान दीजिए। आगे हमारा हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि पितृण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा। हमारे पास चार विकल्प है, पितर धन अण, पितर धन ऋण, पितृ धन ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें जो होगा हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा, पितृ धन ऋण जो होगा पितृण का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है देखते हैं आप लोग, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का संधि विच्छेद आपके सामने दिया है, इति प्लस आदि, इत प्लस यदि, इति प्लस यदि, और यह एक है ई प्लस यदि। तो इसमें होगा हमारा, ध्यान दीजिए, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, यानी विकल्प नंबर हमारा ए जो होगा वो सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। आगे जो है इनमें इनमें से एक, ध्यान दीजिए यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा, इनमें से एक जो है, एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। हमारे पास चार विकल्प है, मत्स्य, मीन, सफरी और जलोदर, इसमें से जो एक है मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देख रहे हैं तीन इसमें मछली का पर्यायवाची है, कौन कौन पर्यायवाची है, तो मीन, सॉरी मत्स्य, मीन, सफरी, ये तीनों मछली के पर्यायवाची हैं, लेकिन जलोदर जो है, ये जो जलोदर हमारा विकल्प है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो जलोदर जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हरित का पर्यायवाची शब्द है, हरित का पर्यायवाची शब्द कौन है, पक्षी, कोयल, कबूतर, ब्राह्मण। तो हरित का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, हरित का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हमारा कबूतर, ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला है कि षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, तितली, भ्रमर, मकड़ी, और चौथा विकल्प है केकड़ा। तो षटपद का, षट का मतलब छ होता है, पद माने पैर, तो षटपद का जो पर्यायवाची है वो है हमारा भ्रमर, वो कौन है, तो वो है हमारा बी नंबर विकल्प होगा भ्रमर, ध्यान दीजिए। उसके बाद है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। तो ये हुई है सौर सेनी अपभ्रंश से, ये किससे हुई है, तो सौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। हमारे पास चार विकल्प है, मुहावरेदार भाषा, कथा कहानियों की साहित्यिक भाषा, विद्यालय में पढ़ाई गई भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा डी राइट उत्तर होगा। तो आइए आगे चलते हैं। उसके बाद है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। तो भारत की प्रथम देश भाषा, इसमें आपके पास चार विकल्प होगा, पाली, संस्कृत, प्राकृत, और इनमें से कोई नहीं। तो पाली जो होगी भारत की प्रथम देश भाषा है, ये राइट उत्तर है। उसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, चार। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो है चार, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या चार है। उसके बाद उपनिषदों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान ही है। तो उपनिषदों की संख्या होती है 108। तो प्लीज़ मित्रों आप लोग ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रुद्रा कंपटीशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर से आप पुराने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।